हेलो स्टूडेंट, ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था आईयूपीएसी के नाम पे, दैट वाज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और बोला था कि ये टॉपिक आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों में जब रिएक्शंस आएंगी तब ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा उनको प्रिडिक्ट करने में, बेसिकली उनके स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में। ओके तो उसमें डीयू निकालने के चक्कर में हम लोगों ने डीयू निकालने में एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो जब स्ट्रक्चर आपको गिवन हो, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। ओके तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए के देखे थे हम लोगों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे भी, बहुत सारे गंदे गंदे भी। कुछ हमने आपको होमवर्क भी दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो कर लिया होगा। ठीक है, अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वही देखिए, उसके बाद इस पे आइए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में फिर दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, अच्छा चलिए तो शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं पहले, उसी से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरा, मैं एक रिकैप कराता हूं आपको, पूछा था कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। सी देखो इसको, अच्छा तो समझिएगा इसको। इसको मैं मान लीजिए लिख दिया ऐसे, तो इसको ऑर्गेनिक में एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, है ना बेटा। पर हमें उससे अभी लेना देना नहीं है। तो ऑर्गेनिक में इस वाले पार्ट को, बेसिकली इस वाले पार्ट को हम लोग पीएच के नाम से जानते हैं। किससे? पीएच के नाम से। पीएच और इसको जोड़ दो तो इसको बोलेंगे पीएचओएच, पीएचओएच। बेसिकली बेंजीन है ना ये, बेंजीन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के ओएच जोड़ दिया वहां पे। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली C6H6। इसमें से क्या किया हमने, एक एच को हटाया और एक ओएच को जोड़ दिया, तो क्या बन गया होगा, C6H5 और एक ओएच। यानी कि ये वाला जो है ना, ये सिस्टम वो यही है, C6H5OH। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। खैर ओके, तो ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था। हम मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है, मेन टॉपिक है हमारा, हम चाहते हैं इसका डीयू निकालना। चलिए बताइए डीयू कितना होगा। वेरी इजी, डीयू तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा आपको। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? तीन। रिंग कितनी है? एक। तो डीयू कितना आ गया? चार। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फिर ये क्यों बताया आपने। ये मैंने इसलिए बताया इस क्वेश्चन को करने के लिए। सी जरा करिए इस क्वेश्चन को आप, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। चलो बेटा ये चार क्वेश्चन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब समझ में आ चुका है। चलिए इसको ट्राई करिए जरा। है ना, इनको ट्राई करिए जरा, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, निकालिए डी यू, खुद से ट्राई करिए पहले। ओके हो गया होगा। तो देखो इस पीएच का बेसिकली हम बोले तो इस पीएच का कितना आएगा, इस C6H5 ये इस वाले पार्ट का बेसिकली डी आया है, इसका डी कितना आया? चार। तो इस पीएच का कितना आएगा? चार। इस वाले पीएच का भी कितना आएगा? चार। इस वाले का भी चार, इस वाले का भी चार, फोर। और इस वाले ये भी बेंजीन ही तो है, इसका भी फोर। और यहां पे है एक, सबको जोड़ दो यार, चार कितनी बार चार, पांच और एक ये, तो कितना आ गया इसका डीयू? 21। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां बोलो इसका भी फोर, 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 और इसका कितना आ गया? 1। तो बेसिकली इसका भी कितना आया? 21। ओके क्लियर बेटा, तो पीएच दिख के आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ जाएगी बात। चलो अब यहां काउंट करो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका डी बताइए, बताओ डी यू इसका कितना आएगा डी यू। तो देखो
पाई वन पहले गिन लें, तो यहां से सीरीज स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 तो पाई बॉन्ड हो गए है ना प्लस। अब रिंग काउंट कर लेते हैं ना, रिंग कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, 7 रिंग आ गई है ना, 7 रिंग। अब कितना आ गया ये 19। अब मैं आपसे क्रॉस चेक करने की बोलता हूं कि एक तरीका मैंने और बताया था इसको हटा हटा के ओपन करके, चलो इसको ओपन कर लिया हमने, एक रिंग ओपन हो गई। अच्छा पहले पाई वन हटा देते हैं, ठीक है ये सारे के सारे पाई वन हट गए। अब रिंग को ओपन करते हैं, एक रिंग यहां से ओपन हुई, ये दूसरी रिंग चलो ओपन हो गई, ठीक है ये मान लीजिए हमने तीसरी रिंग ओपन कर दी, ये चौथी रिंग ओपन हो गई, ये पांचवी हो गई, ठीक है ये लेट्स से छठी हो गई है ना, और ये सातवीं। ओके यानी सात करना ही पड़ेगा, सात से कम में काम नहीं चलेगा है ना। जैसे हम लोगों ने एक 3D वाला स्ट्रक्चर बनाया था उसमें देखा था कि जितनी नंबर ऑफ रिंग होती हैं उससे एक कम उसका DU होता था, क्योंकि उससे कम बॉन्ड तोड़ने पे ही वो ओपन चेन सैचुरेटेड हो जाता था। दिस इज ओपन चेन सैचुरेटेड। ओपन चेन सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि पूरी तरह से ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर ना हो और सारे सिंगल बॉन्ड हो। क्लोज चेन सैचुरेटेड से क्या मतलब है कि साइक्लिक हो और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्लोज चेन सैचुरेटेड होता है, ठीक है, और ये क्या होगा ओपन चेन सैचुरेटेड। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दीजिए फटाफट, मैं देखना चाहता हूं आपको याद है कि नहीं, जब DU1 होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, DU1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक क्या है, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो एक रिंग हो, ओके। और DU2 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, DU2 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, एक क्या हो, या तो एक दोनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होने में क्या क्या सीन था, दोनों डबल बॉन्ड हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके गुड। और क्या चांस था कि एक रिंग हो और एक पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड होगा तो कौन सा वाला बॉन्ड होगा, डबल की ट्रिपल डबल और एक रिंग, और क्या केस था, एक दोनों की दोनों क्या हो जाए रिंग हो जाए, ओके। तो ये सारे सीन हम लोगों ने पढ़ लिए थे एंड दिस वॉज द फर्स्ट केस जिससे हम लोग स्ट्रक्चर के बिना तो कैसे DU निकालेंगे, ये हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड केस की तरफ, ओके केस टू। So, what is case 2? Case 2 is basically when formula is given. Case 2 kya beta? When molecular formula is given. Jab aapko kya given ho? Molecular formula given ho. Hai na? Molecular formula given ho, kaise nikalte hain? Uska DU ka ek formula hota hai. DU ka formula kya hota hai? Zara samajhiye. Bahut easy hai. DU ka formula hota hai C+1 - H+X - N/2. Ji. देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पर ये है नहीं, है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये, बहुत ही इजी। अभी हम अप्लाई करके देखते हैं इसको और इसका मतलब भी समझते हैं एक एक करके। सी पहले समझते हैं व्हाट इज सी। सी है नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसमें कार्बन के कितने एटम है। व्हाट इज एच, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज एक्स, एक्स स्टैंड फॉर हैलोजन, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्या कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी हो जाए, ठीक है, कई सारे भी हो सकते हैं एक साथ। व्हाट इज एन इज बेसिकली स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पर हम सिर्फ नाइट्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे, हाँ वो अलग बात है कि 99% केस में नाइट्रोजन ही आएगा, पर हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट का मतलब कौन कौन इसके अंदर आ जाएगा, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है बेटा जी, और फास्फोरस भी हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, और बिस्मथ भी हो सकता है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप के एलिमेंट्स, ओके। और समझना इसमें देखो ध्यान से, तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन और हैलोजन, बेसिकली ये हम कंसीडर करेंगे कि ये है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं यहां पे, ये है आपका ट्राइवेलेंट
ट्राइवेलेंट कार्बन आप तो आपको मालूम ही है ये क्या होता है टेट्रावेलेंट। इस फॉर्मूले में देखो तो टेट्रावेलेंट को जगह मिली है, मोनोवेलेंट को जगह मिली है और ट्राइवेलेंट को जगह मिली है, डाइवेलेंट को कोई जगह नहीं मिली है। यानी अगर जो डाइवेलेंट हुए ऑक्सीजन सल्फर सिलिनियम ये सब हुए डाइवेलेंट तो इनको इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है? इग्नोर। अगर जो डाइवेलेंट एटम दिखे तो उनको इग्नोर कर देना है, ठीक है? ओके सी फॉर्मूले में जरा समझिए, हमने क्या किया है कार्बन में एक ऐड किया है फिर माइनस किया और क्या किया बेसिकली देखो ध्यान से, जो मोनोवेलेंट एटम है जितने भी इंक्लूडिंग हाइड्रोजन उनको ऐड किया है, उनमें से ट्राइवेलेंट को सब्सट्रैक्ट किया है। बस बेसिकली यही ध्यान रखना है आपको, क्या करना है मोनोवेलेंट्स को ऐड करना है और ट्राइवेलेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेना, फाइनली यू विल गेट द आंसर। ओके चलिए सो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स से C6H6। अच्छे से मालूम ना, ऐसे तो आपको मालूम चल चुका है कि बेंजीन है, इसका डीयू कितना होगा 4, लेकिन चलिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसका डीयू निकाला जा रहा तो C+1C कितना है 6, 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं एक भी नहीं, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट कितने हैं एक भी नहीं, बाय 2 तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 और ये कितना आ गया 4। क्लियर है बात? क्लियर है बात बताओ यार, बात समझ आ रही? इजी है ना। चलो दूसरा देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन C6H5OH ये क्या होगा, इसका डीयू बताओ, इसका डीयू बोलो 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 फटाफट फास्ट कैलकुलेट करो जरा। तो आपने बोला था डाइवेलेंट को इग्नोर ही करना है, तो बेसिकली किसकी तरह थी क्या, इसको इग्नोर कर दिया तो कितना हो गया C6H6 तो हो गया ये भी, तो कितना आ गया इसका भी 4। इजी ओके। तीसरा देखते हैं C6H6Cl6 ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही शानदार ये एक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग 666 भी बोलते हैं इसको 666, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन और 6 क्लोराइड बेसिकली इसका, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड बनाने में काम आता है, ये बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड ही होता है, इसको गामा लिंडेन भी बोलते हैं, गामा लिंडेन है ना। बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक में आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड देखेंगे वो हेलोजन के कंपाउंड होते हैं, क्लोरो कंपाउंड होते हैं, आगे चल के हम लोग बहुत सारे ऐसे देखेंगे कि क्या है बेसिकली इसको 666 बोलते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, रख पाओ तो कोई जरूरी नहीं है। इसका डीयू चेक करो जरा, तो कार्बन कितना 6, 6+1 माइनस बोलो, हाइड्रोजन कितने 6, हाइड्रोजन कितने हैं वो भी 6, ट्राइवेलेंट कितने एक भी नहीं, चलो मेरे लाल बता दो जरा, तो ये हो गया 6+1 7, ये हो गया 12, 6+6 12 2 6 यानी बेसिकली कितना आ गया इसका डीयू 1, डीयू कितना आया 1। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो C6H5NO2 C6H5NO2 निकालो डीयू फटाफट, चेक करो फटाफट कितना है डीयू इसका। तो आपने बोला था कि सर डाइवेलेंट को इग्नोर ही कर देना है, इसको यहां से हटा देना। अच्छा एक तरीका और होता है आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही अपनाना, ठीक है आपका मन आपका जैसा जैसा सही है। देखो एक एक हमने डेफिनेशन होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स वाला, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, थोड़ा फॉर्मूले को एनालाइज करो। हमने क्या किया, हेलोजन और हाइड्रोजन को ऐड किया है, यानी कि मोनोवेलेंट को ऐड करना है और ट्राइवेलेंट को घटा देना है, यही किया है ओके, और डाइवेलेंट को इग्नोर कर देना है। चलो तो अगर जो मुझे इसको बिना फॉर्मूले अप्लाई किया है, फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं मैं, पर मैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं उसको। देखो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, सिंपल ट्रिक है, देखो जरा तो क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है इसको इग्नोर कर देना है, कर दिया। नाइट्रोजन क्या है ट्राइवेलेंट, तो इसको माइनस करना है मोनोवेलेंट से, मोनोवेलेंट कितने हैं बड़ा, मोनोवेलेंट कितने हैं 5, एक हटा दिया कितने बचे 4, 4 बचे तो फॉर्मूला क्या बचा C6 और H कितना बचेगा H4, H कितना बचा 4 ओके।
अगर जो इसको सैचुरेटेड होना है, ओपन चेन सैचुरेटेड होना है, तो ये किसकी तरह होना चाहेगा? एल्केन की तरफ। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्या होता है? CnH2n+2। यानी छह कार्बन वाला ये क्या होना चाहता है? ओपन चेन सैचुरेटेड। सिक्स वैल्यू रखना, यहां पर क्या देगा? C6H14। अच्छा, C6H14 का मतलब क्या हुआ? अब जरा देखो, यहां से यहां तक आने में कितने मोल H2 की जरूरत पड़ेगी? कितने मोल H2 की जरूरत पड़ेगी कि हम यहां आ जाएं? कार्बन सेम है, हाइड्रोजन यहां पे 4 है और यहां पे 14 है, तो कितने चाहिए? 10 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 5। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 याद होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। वही तो है ना, ये कितने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है इसकी? तो 5 मोल H2 की, तो इसका डीयू कितना आ गया? 5। डीयू कितना आ गया बेटा? 5। ठीक है, आपको लग रहा सर ये वाला मेथड भी सही, ठीक ही ठीक लग रहा है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहां से सारा कट कुट देना है, एक सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन लाना है, कार्बन हाइड्रोजन लाने के बाद इस कार्बन का पेरेंट वाला बना देना है, ओपन चेन वाला, सॉरी पेरेंट एल्केन बनाना है और एल्केन से इसको कंपेयर कर देना है। अब आप ऐसे कुछ लग रहा होगा सर ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, बहुत टेंशन वाला बात है, इससे अच्छा तो हमारा यही है, हम क्या करें, कुछ नहीं करना था इसमें, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए आसान है। फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं? तो 6 कार्बन, 6 6+1 तो 7 आ गया, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन एक भी नहीं है, एक नाइट्रोजन घटा दिया इसमें से, 2 आ गया, ये आ गया 7, यहां आ गया कितना? 5 - 1 = 4, 4/2, तो 2, और ये माइनस करके आ गया 5। ये आसान है मेरे लिए। तो बेटा जी आपको जो पसंद आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जहां स्पीड बन रही हो यहां पे मेरा काम था दोनों समझाना, मैंने समझा दिया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, चलो निपटाओ इनको फटाफट, इनको कर डालिए फटाफट, है ना, सब कुछ गिवन है आपको इसमें, ट्राई करिए इसको। इसका डीयू आ गया कितना आया, डीयू बताओ है, तो इसको इसमें जोड़ देना, ये भी जोड़ देना है, तो मोनो ये कितना हो गया? 6+1 - बोलो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और एक ये 5, 5 हाइड्रोजन जोड़ के 6 हो जाएगा, तो 5+1 हेलो एक भी नहीं है ट्राइवेलेंट, बाई 2, तो ये 6/2 यानी कि 3, तो 6 यानी 7, 7 - 3 कितना आ गया बोलो यार? 4 है ना, चेक करो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। सॉरी, हाँ कार्बन यहां पे कितने हैं? कार्बन देखो यहां पे 6 और एक ही 7 है, तो 7 है ये, तो यहां पे 8 आ जाएगा, तो यहां पे कितना आएगा? 5। ओके क्लियर है, चलो अच्छा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊ, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं। चलो ये बेंजीन रिंग है बेसिकली, और एक जगह पे लगा हुआ है क्लोरीन और एक जगह पे लगा हुआ है C(OOH), तो यहां से काउंट करेंगे देखो कितना आएगा, 3 और एक 4 पाई बॉन्ड और एक रिंग, तो कितना? 4+1 यानी कि 5 आ गया। लेकिन आप अभी कोशिश मत करना रिंग में, आप ये बस सोचो सर ये दिया हो तो कैसे आप यहां तक चले जाए, इसके चक्कर में पढ़िए, आगे चल के जब जैसे जैसे समय आएगा हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल बस आप यहीं पे फोकस करिए। चलो इसका डी बताओ, इसका डी आ गया कितना आ गया? तो ये 6+1 7 हो गया होगा, और इसमें से एक माइनस कर दिया होगा, तो आपने 4 5 - 1 4 4/2 यानी कि 2, और ये 7 8 7+1 8 8 में से आपने 2 माइनस किया होगा, तो आ गया होगा ये कितना? 6 इसका डी। ठीक है, इसका डी बताओ, इसका डी कितना है? तो आपने यहां पे 6 दिखा, 6+1 7 हो गया होगा, इसे एक माइनस करके 4 आ गया, 4/2 यानी 2, 7 - 2 तो कितना आ गया? ये 5 आ गया। आई होप आपको इस बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना, इसको हटा दो अभी फिलहाल, आगे चल के देखेंगे इसको कैसे करना है, फिलहाल इस पे आ जाइए। चलिए इसको हटाओ, तो कुल कितने हैं? ये 4 कार्बन और एक ये वाला 5, तो 5 कार्बन हो गया, तो कितना हो गया? 5+1 - नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? नाइट्रोजन कितने हैं? तो नाइट्रोजन आपने देखा होगा
कि नाइट्रोजन है चार और वो भी माइनस कर देते जीरो प्लस जीरो माइनस फोर बाई टू, और ये माइनस फोर बाई टू कितना जाएगा टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी फाइव प्लस वन सिक्स प्लस टू, बेसिकली ये एट है आंसर। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखिए कैसा बनेगा ये, बेसिकली हम इसको ऐसे बनाते हैं सी, शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने ये वाला, ये चक्कर। तो कितने पाई बॉन्ड आ गए यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से और दो यहां से, क्लियर हो गया। चलो ये खुद से कर लो और ये भी खुद से कर लो, ये दो आप कर लीजिए है, ठीक है। तो ये था दूसरा वाला टॉपिक अपना, क्या कि जब आपको क्या गिवेन हो, फॉर्मूला गिवेन हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला गिवेन हो तो कैसे निकालेंगे। इसी में एक छोटा सा लिख दीजिएगा ये पॉइंट, केस थ्री नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसे करके इंपॉर्टेंट करके हम लोग लिख सकते हैं नोट करके, du ऑफ सॉल्ट इज फ्रैक्शनल। क्या अगर जो कोई सॉल्ट है और उसका डीयू आप निकाल रहे हैं तो बेटा जी वो फ्रैक्शनल आता है। चेक करते हैं कैसे, लेट से मान लीजिए आपके पास है एक C3H5O पे माइनस और Na पे प्लस, ठीक है, ये एक सॉल्ट है आपके पास, इसका डीयू आपको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से टूट जाएगा, क्या बचेगा यहां पर बताओ जरा, इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग, मेटल है ये, ठीक है, नॉन मेटल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, डीयू निकालो इसको, तो क्या है बताओ, तो यहां पे कितना आएगा सी प्लस वन, यानी सी कितना है थ्री, थ्री प्लस वन माइनस बोला जाएगा, हाइड्रोजन कितने है फाइव, और कोई हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, कोई ट्राइवेलेंट बिल्कुल नहीं, बाई टू तो ये कितना आ गया फोर माइनस, फाइव बाई टू कितना होता है बेटा, फाइव बाई टू टू पॉइंट फाइव, तो कितना आ गया वन पॉइंट फाइव सी, ये है। तो डीयू कितना आ गया बेसिकली 1.5, फ्रैक्शनल आ गया। अब फ्रैक्शनल डीयू का क्या मतलब है ये हम लोग जब पढ़ेंगे जीओसी, उसमें रेजोनेंस एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि क्या होगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट करके पॉइंट और लिख लीजिए नोट करके, प्रिडिक्शन में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको। आपने देखा कि जब जब डीयू फोर आ रहा था, डीयू फोर आ रहा था तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में, मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये एक तरह से बेंजीन रिंग जैसा बन रहा था, यानी कि ये पीएच बन रहा था, है ना, मोस्टली केसेस में ये पीएच बनता है। तो अगर जो क्वेश्चन में ऐसा कभी आ जाए आगे चल के कि उसने डीयू निकालने पे उसका फोर आ रहा है ना, तो एक बार को आपका सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो यही बेंजीन रिंग ही होनी चाहिए, है ना, पहला आप बेंजीन रिंग ही बनाइए, उसके बाद ट्राई करिए कुछ और, जब इससे काम ना बने तो। पर 99% केसेस में, 95% केसेस में इससे काम बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो डीयू जब फोर आए तो कोशिश करो ये वाला बनाने की, बेंजीन रिंग बनाने की, ठीक है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज, सी सो होमोलॉगस सीरीज नेक्स्ट टॉपिक है आपने क्या, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ऑल द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड, बहुत ढेर सारे कंपाउंड जिनको, जिनके सारे मेंबर्स को, अगर जो होमोलॉगस सीरीज के हैं मेंबर्स, तो उन मेंबर्स को एक जनरल फॉर्मूला से हम लोग एक सिंपल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंपल पैटर्न को सब लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये होती है होमोलॉगस सीरीज, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, चलिए इसका एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैं बोल रहा हूं, लिखो फटाफट, देखिए टू लिखो, फिर धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर डिफर बाई CH2 यूनिट। टू कंसेक्यूटिव का मतलब जस्ट एक के बाद दूसरा जो आता है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर डिफर बाई 14
आर्टिफल 14 इन इट्स मॉलिकुलर वेट यूनिट, 14 मॉलिकुलर वेट यूनिट, मॉलिकुलर वेट में 14 का डिफरेंस होगा, 1/4 का डिफरेंस, ठीक है। ये 1/4 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, देखो दो कंसेक्यूटिव में डिफरेंस कितने का, CH2 का ना, तो कार्बन का वेट कितना 12, और दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 = 14, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ऑल दी होमोलॉग्स, सी किसी एक होमोलॉगस सीरीज के सारे कंपाउंड को बोलते हैं होमोलॉग्स, ठीक है। तो ऑल दी मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉग्स आर प्रिपेयर्ड बाई सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, सेम होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज व्हाट, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे इसमें, सी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट होता है, उसको पूरी तरह से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, दूसरा 14 यूनिट का डिफरेंस होगा, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्या होगा, सेम होगा, और चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था अपना, कि क्या बोला हम लोगों ने, फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज फिजिकल प्रॉपर्टी सेम और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उनकी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी उनकी, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग यहां पे ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ये मतलब ऐड कर दीजिए, चलिए इसको ऐसे ही, सी फंक्शनल ग्रुप, लिखो लिख लो इसको, फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, अगर जो प्रेजेंट है तो, फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड, देन ध्यान रखिएगा इस बात को, देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, वो फंक्शनल ग्रुप हर मेंबर के पास होना चाहिए। लेट्स से अगर जो अल्कोहल है तो अल्कोहल सभी मेंबर के पास होना चाहिए, लेट्स से अगर COOH है तो सभी मेंबर के पास होना चाहिए, NO2 है तो ये सभी मेंबर के पास होना चाहिए, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चल अब एक एक करके समझते हैं जरा, चल एक ले लेते हैं, पहला एल्कीन का GF बताओ, एल्कीन की GF बताओ, जनरल फॉर्मूला वे क्या होगा इसका, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है जनरल फॉर्मूला एल्केन का, 10th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लो, CnH2n+2 क्या, CnH2n+2 CnH2n+2 CnH2n+2, ओके, एन की वैल्यू 1 रखो तो ये C1 हो जाएगा, यहां पे 2+2 4 यानी कि CH4, एन की वैल्यू 2 रखो क्या बनेगा, C2 और यहां पे 2 × 2 = 4 + 2 = 6 H6, 3 रखो C3 H8 आया क्या, अब जरा यहां से यहां चेक करो, यहां से यहां आओ, कार्बन एक, यहां एक कार्बन बढ़ गया, यानी ऐड क्या हो रहा है, एक कार्बन ऐड हो गया एक्स्ट्रा, क्या ऐड हुआ, एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 था यहां पे 6 हो गया, यानी 2 बढ़ गया, बेसिकली बढ़ा गया, यहां से आने में क्या बढ़ा, एक CH2 यूनिट दो, तो यानी पहली बात सही हो गई। अच्छा चेक कर लेते क्या यहां से आगे बढ़ रहा है CH2 यूनिट, चेक करो जरा, यहां कार्बन से एक कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितने बढ़े, 6 था 8 हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन ही बढ़ गई, यस ओके। तो देखो बेटा ये सब एक ही सीरीज के कंपाउंड्स हैं, क्या बोल सकते हैं कि एल्केन के होमोलॉग्स हैं, एल्केन के होमोलॉग सीरीज के कंपाउंड्स हैं, बोलो यार आया ना, और 2 कंसेक्यूटिव यूनिट, ये दोनों देखो CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, आया ना ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं होमोलॉग, क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स, ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं किसका, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n, n की वैल्यू 2 रखो तो C2H4, 3 रखो C3H8, 4 रखो C
C4 HA, जस्ट डबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज जस्ट डबल द कार्बन, यहां से आओ तो एक कार्बन बढ़ गया और दो हाइड्रोजन बढ़ गया, इसमें भी वही आ रहा है, यहां से आओ तो एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, दो, यहां भी सेम है ना, एग्जैक्ट क्लियर। ओके, तो आप चाहे एल्कीन लो, चाहे एल्कीन लो, चाहे एल्काइन लो, चाहे कुछ भी ले लो, सब में यही ड्रामा चलेगा, सब में सेम ड्रामा चलेगा। ओके, चलिए एक मैं आपको और लेता हूं, चलो एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, अमीन का, प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं अपनी तरफ से, CnH2n+1NH2 है ना, ये CnH2n+1NH2 क्लियर है, चलो n की वैल्यू रखते हैं, चलो n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू क्या रखो, 1 रखने से क्या आएगा बोलो, C और यहां पे 2+1 3 CH3NH2 क्या लग गया, CH3NH2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, C2H2+1 5NH2 है ना। अब इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, CH3CH2NH2 देखिए, मैं समझना ध्यान से, एक और रखो एन की वैल्यू 3 रखो, मैं इसको लिख रहा हूं C3CH2CH2NH2 है ना, समझिए ध्यान से। अब देखो यहां से यहां जब आए हम लोग तो देखो CH3CH3 सेम, NH2NH2 सेम, बड़ा कौन है CH2, कंफर्म। अब यहां से जब यहां आए CH3CH3 सेम, CH2CH2 सेम, NH2NH2 सेम, बड़ा कौन, CH2। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होमोलॉग, ये आपस में क्या है होमोलॉग, ठीक है, और एक ही होमोलॉग, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, मैंने बोला था होमोलॉगस सीरीज के जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक सिंपल जनरल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो ये एल्केन क्या था, CnH2n+2, एल्कीन क्या था, CnH2n, ठीक। तो टू कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव जो होमोलॉग्स होंगे दे आर डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मॉलिकुलर फॉर्मूला यूनिट, ओके बेटा क्लियर होगी बात, ये दो कंसेक्यूटिव को हम लोग होमोलॉग्स बोलते हैं। अगर जो इससे इसका देखना है तो ये इसका सीनियर होमोलॉग है, ये डायरेक्ट होमोलॉग नहीं, कंसेक्यूटिव नहीं है, सीनियर, इससे एक ज्यादा और ज्यादा सीनियर का भी सीनियर है ना, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। सो ये है एक तरह से होमोलॉग्स, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन में ये भी काम आएगा हमारे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसके आधार की होमोलॉग्स, होमोलॉग सीरीज और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना चाहिए ऑर्गेनिक समझने के लिए, ओके आज यही रख लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।